हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वो है कि अपने मानसिक डर से जीतना सीखे, कि मतलब जो है ना, अपने मानसिक डर को के ऊपर काबू पाना, अपने मानसिक डर के ऊपर जो है कि जीतना है। क्योंकि आज जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं OCD, डिप्रेशन, फोबिया, अगर आप भी अगर इस समस्याएं से परेशान है, तो दोस्तों डर जो है ना बहुत ही बड़ा मेन काउज है इसका। आप जो है ना अनावश्यक डर रहे होते हैं, जो जिस बातों में डरना नहीं चाहिए उस बात में आपका ब्रेन जो है कि डर रहा होता है। अगर उस बातों को, चिंताओं को लेकर के जो विचारे आते रहते हैं, उस विचारों से अगर डरना बंद कर देंगे तो गाइज आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जो होने वाला नहीं है उस टाइप का विचार आते रहते हैं ब्रेन में, और डर दिखाते रहते हैं, और उस डर से जो है कि डर करके, तर्क वितर्क करके कॉन्फिडेंस अपना कम कर लेते हैं, और चिंता, डर, घबराहट और जो है कि बढ़ जाती है। और इसके वजह से क्या होता है कि कोई भी काम आप करने वाले होते हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फोकस कम हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, डरा डरा महसूस करते रहते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए बात करते हैं कि डर को कैसे ठीक किया जाए। तो डर को ठीक करने के लिए आज हम 4 स्टेप बताएंगे। पहला है, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा थॉट है, कौन सा विचार है जो आपको बार बार आ रहे हैं, बार बार आपको डरा देते हैं। मतलब उस, क्योंकि देखिए एक नियम है, सिचुएशन प्लस थॉट कंडीशनिंग हो जाती है। मतलब सिचुएशन के साथ जो है ना थॉट का कंडीशनिंग हो जाता है। जब भी वो सिचुएशन, कोई सिचुएशन आपको होगा, वो थॉट आपको आके डरा देगा। तो उस डर को पहचानिए कि जो, देखिए डर आपको मानसिक समस्या वाले बार बार डराते होंगे, तो किस सिचुएशन में कौन सा डर आकर के हमको परेशान करता है, तो ये जो है ना पहचानना है। डर को पहचानना आसान हो जाता है जब आप फोकस करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ डर लगता है, तो आपको जो है ना ये पहचानने सीख जाएंगे कि आज दिन भर देखते हैं हमको कहाँ कहाँ डर लग रहा है। तो ये इसको पहले पहचानना सीखना है। दूसरा क्या करना है कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना है कि हमें बीमारी हुई है, मानसिक समस्याएं हुई है, चिंता, डर, घबराहट की परेशानी हुई है, हमें जो है ये OCD, डिप्रेशन, फोबिया, ये जिसमें से भी आपको देख लीजिए, जिस जिस कैटेगरी का भी हो, कोई भी अगर वहम है बार बार आपको अगर आ रहे हैं, तो आपकी OCD की समस्या है। जैसे कि रिलीजियस OCD हो सकता है, भगवान से ज़्यादा देंगे, गंदगी वाली हो सकती है, गंदगी फैल जाएगी, बीमारी वाली कहीं बीमारी ना लग जाए, इस टाइप का अगर है तो आपको OCD की समस्या है। 5 बार 10 बार कोई काम करना है तो तब जाके मन में तसल्ली मिलती है। तो ये अगर इस टाइप का अगर आपको समस्या है तो ये OCD में आता है दोस्तों। डिप्रेशन में क्या होता है कि उदास है, कोई चीज़ को लेकर के मन उदास रहता है, डर सा लग रहता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, तो इस टाइप की होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये समझना है कि ये डर, चिंता, डर, घबराहट जो भी हो रहे हैं, तो इस डर को जो है कि पहले आप पहचाने। दूसरा क्या कि आप बोले हमें ये बीमारी हुई है, एक्सेप्ट कर लिए, अब क्या 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 करना है। तीसरा क्या काम क्या करना है कि उस डर को सहन करना है। ब्रेन का कंडीशनिंग हो चुका हुआ है कि वो सिचुएशन में जाते ही ब्रेन डरने लगता है। तो ब्रेन को जो है ना एक समझना है कि हमारा ब्रेन जो है ना सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। मतलब कि जो जैसा आदत बन गया है ना उसी हिसाब से ब्रेन चलते रहता है। तो ब्रेन क्या करता है, सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। तो फर्क कौन करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। आप किसी के द्वारा कर सकते हैं, किसी की बातों को समझ करके, या मेरी बातों को समझ के कर सकते हैं, या कोई और भी काउंसलर है, कोई और भी है जो वो बताते हैं आपको, कोई और साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, तो उनकी बातों को बिलीव करके, बातों को मान करके आप निकल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि ये जो डर दिखा रहे हैं, इस डर को डरना नहीं है, इस डर को सहन करना, तब ब्रेन का कंडीशनिंग चेंज होगा। ब्रेन अभी क्या हुआ, उस सिचुएशन में डर सीख लिया हुआ है कि ब्रेन जो है उस सिचुएशन में जाते हैं डर। जैसे रसगुल्ला को हम दिखाते हैं, आपको रसगुल्ला बोलते हैं तो मीठा, मन में मीठा का स्वाद के बारे में आता है। उसी तरह से जो है कि आपको जिस चीज़ से भी डर लगता है उसके लेकर के आपको बोलते हैं या उस सिचुएशन में जाते हैं, तो आपको ब्रेन को डर लगने लगता है। तो इस ब्रेन की कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए डर जो आ रहा है, डर को सहन करना है, प्रेशर को सहन करना है। ये हुआ तीसरा चीज़ आपका, कि मतलब डर को सहन करना है। चौथा चीज़ क्या करना है ना, बार बार प्रैक्टिस करना है। देखिए आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो आदत बन जाता है। तो इस डर को भी सहन करने के लिए बार बार जो है कि आपको जो है डर को सहन करना है, तब जा करके आपके अंदर बदलाव आएगा। तब जो है ना आपको जहाँ पर अभी डर लग रहा है उस जगह आपको डर लगना बंद हो जाएगा, उस जगह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो डर कमेगा, डर कमेगा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो यही चीज़ है कि बार बार करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आप देखेंगे कि अरे हम तो किए लेकिन उस डर के साथ सहन किए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, आपको अंदर से खुशी आने लगेगी। और मेरा भी ये मकसद है कि आपकी लाइफ में खुशी आए, आपका लाइफ में शांति आए, और आप जो है ना दिन प्रतिदिन बेहतर करते जाए, दिन प्रतिदिन जो चिंता, डर, घबराहट हो रहे हुए उस चीज से आप बाहर निकले गाइस।
तो ये चीज़ हम बताना चाहते थे इस वीडियो में कि डर को जीतने के लिए आपको ये चारों स्टेप आपको ध्यान में रखने होंगे, और जो है कि इस ध्यान में रखने के साथ साथ इस पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक काम नहीं करेंगे ना, तब तक फायदा नहीं होने वाला गाइज। काम क्या करना है, इस सब चीज़ को समझ के ऊपर काम करना होगा, और जो है कि इस चीज़ को फॉलो करना होगा, तब जाकर के आपके लाइफ में खुशियाँ, कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, फोकस, शांति सब आएगी धीरे धीरे गाइज। तो यही चीज़ को अप्लाई कीजिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो, हाँ एक चीज़ और, अगर आप अपने से निकल जाते हैं, ये सब कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर हमसे बात करके काउंसलिंग ले सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू गाइज, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। बाय बाय गाइज, थैंक यू, विश यू बेस्ट, बी